लॉकडाउन में भी शराब माफिया चोरी छिपे शराब की तस्करी में जुटे हैं। ऐसा ही देखने को मिला राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में, जहां पुलिस ने अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचते दो तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी हरि सिंह और पवन कुमार हरियाणा के रहने वाले हैं, जो शहर में किराए का मकान लेकर रहते हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को दबोच लिया, जिनसे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के 4,42,000 रुपए की नकदी के साथ बरामद किया है। वैशाली नगर थाना इलाके में कार्रवाई की गई है और दो मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है, जो शराब की तस्करी कर रहे थे। इनसे भारी मात्रा में शराब और बियर मिल रही है और लगभग 4,62,000 रुपये नकद इनसे बरामद किए गए हैं। सर, किस तरह की अभी तक जो सामने आया है कि कहीं ठेके से ही ये शराब ला रहे थे, लेकिन अभी पूछताछ से स्थिति स्पष्ट होगी। और इसमें एक का नाम तो पवन कुमार है और दूसरा उसका साथी हरीश है। तो इस तरह से दो मुलजिमों को अरेस्ट किया है और ये जो इस समय जो शराब के ठेके बंद हैं तो उसकी आड़ में कई लोग जो शराब की तस्करी करा रहे हैं, तो उन्हीं के मार्फत ये लोग कर रहे हैं। तो हम जड़ तक पहुँचेंगे कि कहाँ से ला रहे थे, कैसे ला